दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजेश शर्मा टिप्स में। यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मेरे द्वारा भी यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो यह महज एक सहयोग ही है कि 1000 सब्सक्राइबर का पूरा होना और 100 वीडियोस का अपलोड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आशा करता हूं कि आप आगे भी मेरे चैनल को इसी प्रकार से पसंद करते रहेंगे। तो आज मैं अपने कुछ सीनियर साथियों के लिए ये शब्द चिन्ह लेकर आया हूं। कुछ देशों के नाम हैं, इनको शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई कटिंग लिखी जाती है या डिक्टेशन बोलती है तो उसमें जब देशों के नाम आते हैं तो हमारे ऐसा महसूस होता है कि कुछ साथियों को परेशानियां होती हैं, तो उन्हीं परेशानियों को देखते हुए मैं उनके लिए ये नाम लेकर आया हूं, इन देशों के नाम लेकर आया हूं। कुछ चुनिंदा देश हैं जिनका बार बार जिक्र होता है हमारी कटिंगों में, हमारी डिक्टेशनों में, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको शॉर्ट हैंड बताने वाला हूँ इन शब्दों की। तो कृपया इसको बहुत ही ध्यान से देखें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें जिससे आप आसानी से इन शब्दों को लिख सकें। तो आज शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले हम लिखेंगे भारत, इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया भारत। इसके बाद में आता है हिंदुस्तान, इसको इस तरह से बनाएंगे हिंदुस्तान। इससे आगे हमारा इंडिया, ऐसे बनाएंगे इंडिया। इसके बाद में आता है आर्यावर्त, आर्यव्रत। ये चारों ही नाम हमारे ही देश के हैं, और किसी भी देश के चार नाम नहीं हैं पूरे विश्व में। इसके बाद में आता है हमारा पाकिस्तान, इस तरह से लिखेंगे पाकिस्तान। इसके बाद में आता है अफगानिस्तान, ऐसे बनाएंगे अफगानिस्तान। इसके बाद में आता है चीन, इस तरह से लिख देंगे इसको चीन, एक मात्रा यहाँ लगा देंगे इंडिकेट करने के लिए, ये हो गया चीन। इसके बाद में आता है रूस, लाइन काट के लिख देंगे इसको, ये हो गया रूस। इसके बाद में आता है जापान, जापान। आगे है बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद में आता है श्रीलंका, श्री लंका। इससे आगे है देश भूटान, इसको इस तरह से लाइन काट के भूटान। इसके बाद में आता है अमेरिका, इसको इस तरह से लिखेंगे अमेरिका। इसके बाद में आता है फ्रांस, इसको इस तरह से लिखेंगे फ्रांस। इसके बाद में आता है ब्रिटेन, ये हो गया ब्रिटेन। इसके बाद में आता है जर्मनी, ऐसे लिखेंगे जर्मनी। जर्मनी के बाद में आता है नेपाल, इस तरह से नेपाल। इसके बाद में आता है कनाडा, कनाडा। इससे आगे हमारा इज़राइल, इज़राइल, इस तरह से लिख देंगे इज़राइल। इसके बाद में है मलेशिया, मले और ये सिया, सा और या दोनों कंबाइंड इसमें, ये हो गया मलेशिया। इसके बाद में आता है बर्मा, इस तरह से लिख देंगे बर्मा। इसके बाद में आता है म्यांमार, इस तरह से लिखेंगे म्यांमार। बर्मा और म्यांमार दोनों एक ही हैं। इसके बाद में आता है तुर्की, तुर्की। इसके आगे हमारा कंबोडिया, कंबोडिया। इससे आगे आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हमारा आता है ईरान, ईरान।
इसके बाद में है इराक, इराक, आगे हमारा फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, इसके बाद में आता है नाइजीरिया, नाइजीरिया से आगे हमारा सऊदी अरब, से बनाया सा और उसमें हमने रा से काट दिया, ये हो गया सऊदी अरब। इसके बाद में आता है थाईलैंड, थाई लैंड, इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया थाईलैंड। इसके बाद में आता है इंग्लैंड, इंग लैंड, ये हो गया इंग्लैंड। तो ये थे हमारे कुछ शब्द चिन्ह दोस्तों, देशों के नाम हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट हैंड में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप आसानी से इनको लिख सकें। तो उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो समय समय पर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।